लोग एम लक्ष्मीकांत में लोकसभा की चुनाव प्रणाली को करेंगे, ठीक है। लोकसभा के चुनाव प्रणाली के बारे में हम लोग समझते हैं कैसे होता है लोकसभा का चुनाव, ठीक है। पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा का भी माहौल भी चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव चल रहा है, इसको आम चुनाव के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आम चुनाव, ठीक है। क्यों बोलते हैं आम चुनाव? क्योंकि आम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के चुनाव में आम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, खास लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, इसलिए राज्यसभा खास सभा भी है, वरिष्ठों को सभा है, बुजुर्गों की सभा है, ठीक है। लेकिन आम चुनाव की बात करें, लोकसभा के चुनाव को मुख्यतः लोकप्रिय भाषा में आम चुनाव के नाम से जानते हैं, और अभी तो आपका सीजन भी है, ठीक है। देखिए, लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित विभिन्न पहलू इस प्रकार है। सबसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको जानते हैं परिसीमन होता है ना, क्या क्षेत्रों का परिसीमन, डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं ना उसको, ठीक है। तो लोकसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों में क्या होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस संबंध में दो भूखंड है, ठीक है। लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। जब प्रत्यक्ष रूप की बात करूंगा तो भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, ठीक है, सबके सब क्या कर सकते, चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें भी होती है, उस शर्तों को पूरा करते हुए सबके सब पार्टिसिपेट, यूनिवर्सल सफरेज कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखिए कैसे होता है। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य के ऐसी रीति में किया गया कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथा साध्य पर ही है, ठीक है। अब ध्यान में इसे अंतर क्या है इसे समझिएगा, ठीक है। मतलब लोकसभा में जो सीटों का जो किया गया है, ठीक है, किसके आधार पर किया गया? जनसंख्या के अधिकार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बिहार में सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। तमिलनाडु में सीटों की संख्या कितनी है? 39 है कि नहीं है? अप्रोक्स में बिहार को सीटों की संख्या तमिलनाडु की सीटों की संख्या से बराबर है। बिहार की जनसंख्या कितनी है? कितनी बिहार की जनसंख्या, ठीक है, कितनी बिहार की जनसंख्या बताइए। तो 9 करोड़। बिहार की जनसंख्या की बात करेंगे तो ध्यान रखें, बिहार की जनसंख्या मोर देन, बिहार की जनसंख्या की बात करेंगे 2021 की जनगणना के अनुसार तो 11 करोड़ के आसपास थी, ठीक है, 11 करोड़ की आसपास है, ठीक है। और 2021 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु की जनसंख्या की बात करेंगे तो 7.5 करोड़ के आसपास था, ठीक है, 7.5 समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, जिस समय सीटों का आवंटन जो दिया 40 सीट तमिलनाडु को दिया गया, सॉरी बिहार को 40 सीट दिया गया, तमिलनाडु को 39 सीट दिया, दोनों की जनसंख्या लगभग क्या थी? अप्रोक्स बराबर थी। तो कैसे देते थे? सीटों के हिसाब से देते थे। तमिलनाडु ने अच्छा क्या किया, अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया, बिहार ने अपना जनसंख्या खूब बढ़ाया, तब ये समता मतलब बराबर बैठ नहीं रही है, ठीक है। अब क्या होगा, कभी भी सीट को अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर बांटेंगे तो तमिलनाडु को जो सीट जो मिला हुआ है, क्योंकि उसने अपना जनसंख्या कंट्रोल कर रखा, उससे बिहार की कितनी हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। तो ये एक तरह से सीटों को जनसंख्या के आधार पर बांटना या फिर परिसीमन करना एक तरह का बहुत बड़ा दोष भी है, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था अपनाई गई संघीय शासन के स्वरूप सभी राज्यों में सीटों की संख्या प्रतिनिधित्व जो दिया गया अलग अलग तरीके से दिया गया है। जनसंख्या ज्यादा, सीटों की संख्या अधिक। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज्यादा, सीटों की संख्या 80 है। अब बात करेंगे पुडुचेरी, बेचारा छोटा सा राज्य है, जनसंख्या के एक संसद वहां से आते हैं, तो ये एक तरह से इसमें दोष भी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए, अमेरिका जैसे देशों में जाएंगे तो आप सीनेटर वगैरह होता है, राज्य कितना भी बड़ा हो छोटा मैटर नहीं करता है, दो ही लोग आएंगे चुनकर, ठीक है। तो ध्यान रखिए, शुरू में तो मतलब क्या कि जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया, लेकिन आगे चल के कुछ राज्यों में जनसंख्या विस्फोट देखा गया, उत्तर भारतीय राज्य में, दक्षिण भारतीय राज्य ने अपने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया। तो ये एक व्यवस्था आगे चल के जब नया जो डिलिमिटेशन किया जाएगा तो उसमें देखते किस प्रकार की चीजें निकल कर आती है, तो एक बहुत बड़ा मतभेद का कारण भी बन सकता है, ठीक है। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए साध्य भी हो, ठीक है। यह उपबंध उन राज्यों पर भी लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, ठीक है। मतलब ये उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जिसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में तथा यथा साध्य एक ही हो, ठीक है। संक्षेप में अगर बात करें तो संविधान सुनिश्चित करता है कि राज्यों के बीच उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व में एक रूपता हो, समझ रहे हैं ना, मतलब एक रूपता हो,
मतलब जैसे मान ली किसी राज्य में जनसंख्या 5 करोड़ है तो दूसरे राज्य में अगर जनसंख्या भी 5 करोड़ तो दोनों का सीट मतलब बराबर होना चाहिए, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या से आज से अंतिम जनसंख्या की गणना से जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए, ठीक है। अब बात करेंगे तो मान लीजिए अभी जनसंख्या क्या, कैसे जनसंख्या ज्ञात करेंगे, तो अंतिम बार जो जनगणना हुआ उसके अनुसार। जैसे अभी जनगणना अगर मान लीजिए अभी डिलिमिटेशन 2026 में आती है, ठीक है, अभी जो हम लोकसभा के चुनाव में जो जनसंख्या का जो प्रयोग जो करते हैं 1971 की जनगणना का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हैं, उस समय बिहार की जनसंख्या, ठीक है, और मद्रास की जनसंख्या मतलब उस समय तमिलनाडु की जनसंख्या, मद्रास में लिख रहा हूं, ठीक है, बराबर थी, इसलिए सीटों को बराबर दिया गया। अभी अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर सीट अगर बांटेंगे तो सीधे तमिलनाडु से दोगुना सीट मतलब क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु ने क्या किया, जनसंख्या कंट्रोल किया दक्षिण भारतीय राज्यों ने, और उत्तर भारतीय राज्यों ने मतलब क्या किया, जनसंख्या को बढ़ाया। अभी डिमिलिट्रेशन को लेकर आप लोग प्रश्न भी बोल रहे थे, हाँ बोलते से नोट्स नहीं मिलता है, गूगल पे ढूंढता हूँ, देखिए प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात, डिलिमिटेशन को लेकर क्वेश्चन थे यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा अच्छे से प्रश्न को दिया हुआ है, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है मतलब परिसीमन किया जाता है, और राज्यों, ठीक है, राज्यों को लोकसभा स्थानों में आवंटन करते हैं, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन किया जाता है, यह अधिकार किसके पास है, संसद के पास अधिकार है, किसके पास अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति निर्धारण करे, ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी। अब प्राधिकार, प्राधिकार का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, मतलब कौन करेगा, किसके पास ये अधिकार होगा, तो अधिकार किसके पास है, तो अधिकार परिसीमन आयोग के पास है, किसके पास अधिकार है, ये परिसीमन आयोग के पास अधिकार है, तो प्राधिकार एजेंसी कौन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो गया, परिसीमन हो गया, और ये रीति बनाने का अधिकार किसके पास है, नियम कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। इसी के तरह संसद 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किया, बहुत लोग 72 के जगह पे 73 लिख देते थे, तो एक्चुअली में एक एक साल बाद आया था, मतलब बन तो पहले ही गया, क्योंकि परिसीमन पहला जो था 1951 में ही आया था, लेकिन लागू 52 से होता है, 72 वाला 73 से होता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, तो इसमें थोड़ा कहीं के पे 51 लिखा हुआ था पहला परिसीमन। 82वां संविधान संशोधन की बात करें 1976 में राज्यों के लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचनों के क्षेत्र में विभाजन के वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया, मतलब 2000 तक किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगी। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 2020 तक 2000 तक सीमित कर दिया गया, तो किसी प्रकार का 2000 तक परिवर्तन नहीं होगी, मतलब न तो सीटों की संख्या बढ़ेगी और न तो मतलब राज्यों का सीमाओं वगैरह में परिवर्तन होगा। और 1971 की जनगणना, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, तो मतलब 1976 में आप देखोगे सबसे पहले बोला गया से भाई साहब, ठीक है, लोकसभा के सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कब तक नहीं बढ़ेगी, तो 2000 तक मतलब नहीं बढ़ेगी, ठीक है, 2000 ईस्वी तक नहीं बढ़ेगी, ठीक है, फिक्स हो गया, नो डिबेट मतलब, ठीक है। और इसका जनसंख्या का आधार कब चुना गया, तो 1971 का जनसंख्या का आधार चुना गया, 1971 के 1900, जब भी हम इस चीजों का निर्धारण करेंगे तो पीछे वाले जनसंख्या को लेंगे, तो 1976 में जब हमने निर्धारण किया तो जनसंख्या का आधार वर्ष कौन बना, 1971 का डेमोग्राफिक बना। अब फिर से क्या होता है, 84वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 2001 में किया गया 84वां संविधान संशोधन, और इसमें क्या किया गया, से अगले 25 वर्षों तक, ठीक है, टिल द 2026 एक भी सीट नहीं बढ़ेगा, मतलब ये पूरा फिक्स रहेगा, मतलब जो 1976 में था वही सीट मतलब कब 2026 तक रहेगी, मतलब 2026 तक किसी भी प्रकार का परिसीम मतलब 2026 तक किसी प्रकार का लोकसभा में सीट बनने का कोई भी संभावना नहीं है, मतलब सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। फिर अगर 2026 में मतलब क्या होगा, से नया परिसीमन गठन हो चुका है अभी एक्चुअली में, तो 2026 में लोकसभाओं में आपको नए सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगा। अब आधार क्या बनता है, कितने जनसंख्या बनाता है, 10 लाख पे बनाता है, 20 लाख पे बनाता है, 25 लाख पे बनाता है, वो देखने को आपको मिलेगा, वो हम लोग देखेंगे 2026 तक। लेकिन फिलहाल 1976 में 82वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो भाई साहब 2000 तक किसी प्रकार का सीट न बढ़ाया जाए। फिर 84वां संविधान संशोधन 2001 में होता, उसमें कहा गया से 2026 तक किसी प्रकार का सीट को
न बढ़ाया जाए, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन में सरकार को यह शक्ति दी गई कि वह 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र का पुनः समायोजन या फिर सुयुक्तिकरण कर सकती है, ठीक है। कौन सा जनसंख्या का 84वां संविधान संशोधन में कौन सा जनसंख्या है, 1991 का? अच्छा, 82वां संविधान संशोधन में जनसंख्या का कौन सा आधार बनाया गया, तो 1971 का, ठीक है। तो 1971 और 1991 दोनों जनसंख्या का आधार वर्ष है, इसको ध्यान में रखिएगा। पुनः समायोजन संयुक्तिकरण कर सकती है। बाद में 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 का जनसंख्या का आधार। क्योंकि आपको यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा क्या कहा गया, से देखिए, जब भी परिसीमन बनेगा, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन जब भी बनेगी, तो पीछे के जनसंख्या को आधार के पीछे की जनसंख्या को आधार अपनाएंगे। देखिए 80 यहाँ पे 80 सॉरी 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, जो कि होता है आपको 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में होता है, सॉरी 2001 में होता है, जिसमें बोला गया था जनसंख्या का आधार वर्ष कौन बना, 1991 को। लेकिन बाद में ये मामला जो था संसद में, क्योंकि संसद में उठा, तो आप बोला 1991 के जनसंख्या को आधार क्यों बना रहे हो, जबकि 2001 में जनगणना हो चुका है। क्योंकि ये जो परिसीमन जो आया था ना 2001 में, जो बातें जो चल रही थी, उस समय जनगणना नहीं हुआ था, ठीक है। इसीलिए बोला 1991 को आधार बनाते, लेकिन फिर जब तो जनगणना हो जाती है, तो आप देखो 2003 में जो 87वां संशोधन किया गया, 27वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया, उसके आधार पर 2001 को जनगणना का आधार पर करने की बात की गई, ठीक है, ना कि मतलब 1991 का। तो ये आपको 1991 से, ठीक है, आधार मतलब क्या बनाया गया, 1991 से क्या हो गया, तो 2001 हो गया। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों के लोकसभा में स्थानों का आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीटों का, सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया, क्षेत्र में परिवर्तन किया गया। जैसे मेरे मेरे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मेरा घर जो है, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सांसद जो होता था ना, वो सीतामढ़ी लोकसभा का था, ठीक है। तो कुछ ऐसे जो थे उसको मतलब सही करके मतलब पूरा चीजों को किया गया, लेकिन सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखेंगे इनका काम क्या होता है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण करने की बात कही गई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संसद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए सीटों का आरक्षण की बात की है। एक के लिए आई थिंक कितना 47 सीट है, एक के लिए कितना है 84, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 84 होगा, जनजाति के लिए 47 होगा, ठीक है, यही मुझे याद आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनके सीटों के आरक्षण की भी बात की गई है। हालांकि संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पत्ति का त्याग है, मतलब किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि कोई इस्लाम है तो चलो इस्लाम धर्म से भी आना चाहिए, सिख से भी आना चाहिए, हिंदू तो सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इस्लाम सेक्ट के अंदर भी कोई दलित समुदाय से हो सकता है, इस्लाम सेक्ट के अंदर भी आप देखो कोई अनुसूचित हो सकता है, सिख में भी हो सकता है, हिंदू में भी हो सकता है, सब में होता है, ठीक है। अनुसूचित अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है से एससी समुदाय, ठीक है, केवल हिंदू में नहीं है, सिख में भी है, इस्लाम में भी है, सब में है, ठीक है। हालांकि संविधान के किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित एवं जनजातियों के लिए लोकसभा सीटें आरक्षित की गई है। प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए दिया गया था, ठीक है, प्रारंभ में आरक्षण जो था 10 वर्षों के लिए दिया गया था, मतलब 1960 तक था। इसके बाद 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन नियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब आरक्षण अभी 95वां संविधान संशोधन की बात करके 2009 में आता है, इस आरक्षण को 2020 तक है, मतलब 10 10 वर्ष पे इसको बढ़ाते जाते हैं, मतलब 2020 तक बढ़ा दिया गया। डेट मीन्स ये संख्या जो है 47 और 84 का जो संख्या है, इनमें वृद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन क्या लगता है, इनकी जनसंख्या भी तो बढ़ी होगी, तो नया वाला जो परिसीमन जब भी आता है, तो हो सकता है लोकसभा में जब सीटों की संख्या बढ़े तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या भी बढ़े। क्योंकि नया वाला परिसीमन में एक चीज और भी होगा, क्योंकि अब महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण हम लोग दिए जा रहे हैं, जो कि अगला परिसीमन से ही लागू होगा, कितने प्रतिशत आरक्षण है, ठीक है, 33% आरक्षण है, तो परिसीमन करना जरूरी हो जाएगा, महिलाओं का भी आरक्षण मिलेगा, और फिर उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भी आरक्षण देने की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे हालांकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन उनका निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे
जैसे कि से 1932 की बात करें, जैसे पूना पैक्ट हुआ, तो फिर अंबेडकर जी गांधी जी के बीच में बीच मतभेद का कारण क्या था? उनके बीच में मेन मतभेद का कारण जो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उनमें क्या था, उसमें जो सिख समुदाय को अगर हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अगर दे रहे हैं, तो सिख जो क्षेत्र बना दिया जाएगा, से भाई साहब ये जो है स्थान जो है जो सिख समुदाय के लिए फिक्स है, वहां से चुनाव में खड़ा कौन होंगे? सिख समुदाय। उनको वोट करने वाला कौन होगा? तो वो भी सिख समुदाय होगा। इसी बात को लेकर मतभेद होता। गांधी जी कहते देखो ये जो तुम हिंदू धर्म के अंतर्गत जो सांप्रदायिकता जो लेकर आना चाहते हो, तो वैसे क्षेत्र तुम घोषणा करना चाहते हो जिसमें दलित समुदाय के लिए, जैसे दलित ही चुनाव में खड़े हो और उसको वोट करने भी वाला भी दलित हो, ये गलत चीज है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब वहां पे सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रामसे मैकडोनाल्ड जो करते हैं, तो उसमें क्या था, वैसे क्षेत्र बनाना था दलितों के लिए जहां से चुनाव देने वाला दलित हो और वोट में जो कैंडिडेट जो वो भी दलित हो। गांधी जी इसी का विरोध करते हैं और कहते से देखो ये तुम मत लो, तुम क्या करो आरक्षण ले लो, मतलब दलित समुदाय के लोग खड़ा होंगे। ठीक है, जो सीट जो होगा दलित सीट जो घोषित किया जाएगा वहां से दलित समुदाय के लोग खड़ा होंगे, लेकिन इसको वोट करने वाला स्वर्ण भी हो सकते हैं, मुसलमान भी होगा, दलित भी होगा, ठीक है, जनजाति भी होगा, सबके सब उसको वोट करेगा। ऐसा नहीं कि दलित समुदाय चुनाव में खड़ा हो उसको वोट करने वाला क्या हो, केवल दलित हो। तो गांधी जी इसी के विरोधी थे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित होगा वहां से केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार में ऐसे 6 क्षेत्र हैं, मतलब बिहार में 6 लोकसभा क्षेत्र जो रखे गए हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, मतलब वहां से कोई दूसरे जाति के लोग चुनाव नहीं खड़ा हो सकते, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र जो कि सामान्य क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां से अनुसूचित जाति के लोग खड़ा हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र रिजर्व क्षेत्र होगा वहां से कोई नहीं खड़ा होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। 84वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया सामान्य सीटों की तरह, और 27वां 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें 2003 में आरक्षित सीटों के 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः मतलब क्या किया गया, नियत कर दिया गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम, ध्यान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, ध्यान रखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इसको समझते हैं। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया, इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब क्या होता है प्रतिनिधित्व, मतलब मान लीजिए, चलिए सिंपल शब्दों में बाद में समझाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई उम्मीदवार खड़ा है ए, कोई उम्मीदवार खड़ा है बी, कोई उम्मीदवार खड़ा है सी, ठीक है, टोटल बैठ मतलब पड़ा, ठीक है, एक और भी लिख लीजिए, डी भी ले लीजिए, कोई ई भी ले लीजिए, ठीक है, टोटल बैठ मत की बात करेंगे, टोटल वोट जो पड़ा, ठीक है, 500 वोट पड़ा, ठीक है, इसको मिला 150 वोट मिला, 100 मिला, 100 जो भी से 140 वोट इसको मिला, इसको मान लीजिए 110 वोट मिला, जो भी हो, ठीक है, इन सब में, ठीक है, इनको 150 वोट मिला, लेकिन कोई बी कैंडिडेट को अगर 151 वोट भी मिल गया तो ये जीत जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जबकि जबकि राज्यसभा में चुनाव जो होता है उसको चुनाव को बोला जाता है, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व में, क्या होता है जो कैंडिडेट जो तुमको 50% वोट प्राप्त करना जरूरी होता है, मतलब जितने भी उम्मीदवार है उनमें से 50% वोट जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रक्रिया बारंबार अपनाई जाएगी। ठीक है, मतलब कई बार वोटिंग हो सकता है जहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो जरूरी नहीं से 50% हमको वोट प्राप्त करना है। ठीक है, कोई मान लीजिए कोई बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा हो गया, 20 को 25 को कैंडिडेट खड़ा हो गया, ठीक है, और उसमें से किसी कैंडिडेट को 9% भी वोट मिला है, ठीक है, बाकी इनसे कम है, तो मैटर नहीं करता वो विजयी हो गया, ठीक है,
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, किसी भी क्षेत्र से आ सकता है, उसको लोकसभा क्षेत्र कहते हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र, इस तरह से नाम होता है। जिसके निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अब एक क्षेत्र से दो व्यक्ति तो जीत नहीं सकता है, कितने भी उम्मीदवार खड़ा हो विजयी तो एक ही होंगे। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्या हो गया भाई, इधर का नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान रखें। इस पद्धति के अनुसार जिस भी को मतलब अधिक मत प्राप्त होगा उसको क्या करेंगे, तो उसको मतलब क्या करते हैं, विजयी घोषित उसको कर दिया जाता है। प्रतिनिधित्व की समान बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रतिनिधित्व नहीं करता, दूसरे शब्दों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता, ठीक है। मतलब प्रतिनिधित्व की समान बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता, दूसरे शब्दों में अल्पसंख्यक बस छोटे समूह के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता। ऐसा नहीं कि किसी को मतलब स्पेशल अथॉरिटी मतलब दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी एक भी वोट ज्यादा मिला वो मतलब क्या होगा, विजयी होगा। आप देखेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है। इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल में इसका हिस्सा मिलता है, ठीक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं, जिसके नाम है एकल हस्तांतरीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले से व्यवस्था आपको अपनाया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो कि किसके किसके चुनाव में होता है, तो राज्यसभा के चुनाव में होता है, विधान परिषद के चुनाव में होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में होता है। जहां पर भी व्यवस्था होगा वहां पे प्रत्यक्ष रूप से जनता की भूमिका नहीं होगी, ठीक है। मतलब जनता की भूमिका कैसे होगी, अप्रत्यक्ष रूप से होगी। यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान सभा ने दो कारणों से नहीं अपनाया। किन दो कारणों से नहीं अपनाया, मतदाताओं के लिए, ठीक है, मतदान प्रक्रिया जो एक जटिल है, समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर की बात करेंगे तो काफी कम है, ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की भी अस्थिरता है, कभी भी संसद का विघटन हो सकता है, मान लीजिए सरकारें गठबंधन से चलती है, गठबंधन वापस अगर ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इस प्रक्रिया में कई बार चुनाव कराना पड़ता है। इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी है, यह काफी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये काफी खर्चीली व्यवस्था है, यह उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करती है, यह मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच, ठीक है, आत्मीयता को कम करता है, ठीक है। अल्पसंख्यक एवं सामूहिक हितों की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बढ़ावा देती है, यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ा देती है, मतदाताओं के महत्व को क्या करती है, कम कर देती है। तो ये सब इसके दोष है, इसीलिए हमारे जो लोकसभा के चुनाव में जो व्यवस्था जो अपनाई गई है, तो सिंपल शब्दों की व्याख्या की बात करेंगे तो कौन सा है, तो ध्यान रखें कौन सी व्यवस्था है, तो ध्यान रखना है फास्ट, ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिला वो मतलब विजयी हो गया, ठीक है। जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या होता है, वोट का एक फिक्स रेशियो प्राप्त करना पड़ता है, मतलब 50% तक वोट प्राप्त करना ही, तभी वो व्यक्ति विजयी होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो जो कि व्यवस्था कहाँ कहाँ पे अपनाई जाती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था कहाँ पे है, भारत के राज्यसभा में, राज्य के विधान परिषद में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में, इन सब में व्यवस्था को अपनाया जाता है, ठीक है। और संविधान में इसको क्यों नहीं अपनाया, संविधान सभा में क्या बताया गया न अपनाने के पीछे कारण, मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया जो कि जटिल है, समझने में कठिनाई हो, क्योंकि हमारे देश की शैक्षणिक स्तर की बात पे बहुत कम है, जिस समय देश आजाद हुआ पे 17-18% ही लोग मात्र पढ़े लिखे थे, 70 की ज्यादा बताए, 13% है कि 70% अप्रोक्स में लिटरेसी रेट था उस समय, 13% है सर, याद नहीं आ रहा एक्चुअली में, लेकिन उसी के आसपास था। अब हम देखेंगे दोनों सदनों की अवधि, आप देखेंगे राज्यसभा की अवधि की बात करेंगे, ठीक है, राज्यसभा की अवधि की बात करेंगे तो संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक है। अब बोलो सर संविधान में चर्चा नहीं है, राज्यसभा के बारे में संविधान में चर्चा नहीं, बिल्कुल राज्यसभा के अवधि के बारे में संविधान में चर्चा नहीं है, ठीक है।
इसको संसदीय नियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया, ऐसे राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगी जो कि 6 वर्षों तक रहेगी। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत लोग समझते हैं राज्यसभा स्थायी सदस्य है जिसके 6 वर्ष है कार्यकाल, ठीक है अस्थायी सदस्य है, अवधि है 6 वर्ष, लेकिन संविधान में चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया भी होगा, हम लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। राज्यसभा पहली बार की बात की 1952 में स्थापित की गई, ये निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी मतलब एक अस्थायी सदन है, कभी भी समाप्त नहीं, भंग नहीं होती है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे बार पे क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में क्या होता है, मनोचयन होता है, छनामित होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, और नामित हो सकता है, मतलब फिक्स नहीं है, जितना भी बार चाहे चुनाव। भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी चुनाव लड़ने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है, तो कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, ठीक है, संसद का चुनाव 1 बार भी लड़ेगा, ऐसा किसी भी प्रकार का नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितने बार ही चुनाव लड़ सकता है किसी भी चुनाव को, ठीक है, ध्यान में रखना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। संविधान के राज्यसभा सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, यही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद में छोड़ दिया गया था, ठीक है, और इसी के तहत, ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 था, पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के आधार पर संसद ने राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि की बात करेंगे तो 6 साल बनाया, ठीक है, जो कि संविधान मतलब क्या था, इसे बोलते हैं ना सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे, 6 वर्ष होता है, ठीक है, सदन का कार्यकाल नहीं होता, सदन तो फिक्स है भाई, लेकिन सदस्यों के कार्यकाल की बात करेंगे 6 साल होता है, लेकिन ये संविधान में नहीं था, संसद के द्वारा अधिनियम के बाद पर, जो कि उस दिन सेट में भी था ये क्वेश्चन, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर तय किया गया। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने जाने सदस्यों सॉरी इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए, आप देखेंगे जैसे इसमें बोला से भाई प्रत्येक कितने वर्ष पे जाएगा, एक तिहाई सदस्य कितने वर्ष पे, ठीक 2 वर्ष, है, 6 वर्ष पे, भाई प्रत्येक 2 वर्ष पे जाएगा, एक बटा सदस्य 2 वर्ष, जाएगा, वन अब थर्ड भाई जो अब मान लीजिए तब ठीक है प्रत्येक 2 वर्ष पे, लेकिन मान लीजिए जो पहले ही वर्ष आया उसको अगर 2 वर्ष पे अगर रिटायर करोगे तो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि अब कार्यकाल पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट में क्या कहा गया तो भाई कार्यकाल क्या होगा, 6 वर्ष का होगा सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, सदन का कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का, तो जो कि संविधान में नहीं था, 1951 में पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट था, जो संसद किस तरीके से चुनाव होगा नहीं होगा, वोटिंग प्रक्रिया किस तरीके से होगी, आचार संहिता वगैरह जो भी देखते हैं ना, जितना भी कुछ देखते सबके सब वो संसद के द्वारा 1951 में जो क्या बोलते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम जो था उसी में सारा चर्चा दिया हुआ है, ठीक है, दल बदल संबंधित सारा कानून वगैरह जो बाद में जो जोड़ा गया उसी सब में जोड़ा जाता है, 1951 में ही सबको शामिल किया गया है, लेकिन उस समय जो 2 वर्ष भी हटा हुए डेट सदस्यों के कार्यकाल आप कितना कर दे रहे हो, ठीक है 2 साल ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि शुरू में तो किसी का नहीं पूरा है, अब 1950 में, ठीक है 1950 में, ठीक है सदन शुरू हुआ, अब 2 वर्ष में हटा हुआ 1952 में, तो किसी का भी कार्यकाल तो मतलब यही हो गया, फिर अगला भी 2 वर्ष पे हटा होगा तो फिर 1954 में आपको हटाना पड़ेगा, तो 1954 में तो मतलब तो फिर यहाँ पे सदस्यों के कार्यकाल यहाँ पे 4 साल हो रहा है, यहाँ पे 2 साल हो रहा है, अब फिर 1956 में हटा रहा तब ठीक है, यहाँ से आपका तो पूरा सिस्टम सही चल रहा है, यहाँ से सिस्टम आपका सही चल रहा है, क्योंकि 1950 में आके कोई 1956 में हट रहा है, ठीक है, जो 1952 में हटा उसके जगह पे जो 1952 में आया वो 1958 में हटेगा, यहां से देखिए ये 2 साल जो था 1952 में जो था 1954 में हटने वाला जो सदस्य जो था अपना कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया, यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया, से इनको कैसे हटाए, तो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे लॉटरी निकलवाया गया, ठीक है, तो कौन व्यक्ति हटेंगे, वो लॉटरी, पहला बार लॉटरी निकलने का मतलब होता है खुशी होना, ठीक है, लेकिन इस लॉटरी में जो नाम आया वो सदन से मतलब क्या गए, बाहर गए, ठीक है, ये लॉटरी तो था लेकिन निगेटिव स्तर का लॉटरी था, ठीक है, मतलब इसमें जिसका नाम आया वो मतलब कहाँ गए, वो मतलब बाहर गए, ठीक है, ये खुशी वाला लॉटरी नहीं था, ठीक है, तो यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्यों को सेवानिवृत्त करने का आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार दे दिया, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे मतलब क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो सबसे पहले प्रक्रिया इसी को अपनाएगी। तो यहाँ पे तो हो गया, अब यहाँ पे मैंने बोल दिया था भाई राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष होता है, ठीक है, सदन का कार्यकाल नहीं होता, लेकिन लोकसभा का सदस्यों के कार्यकाल, सदन के कार्यकाल यहाँ पे देखेंगे, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, मतलब कह सकते हैं भाई जारी रहने वाली की संस्था नहीं, मतलब अस्थायी सदन है। और अस्थायी सदन क्या है, कभी भी भंग हो सकती है। कैसे भंग होगा, विश्वास प्रस्ताव आ जाए लोकसभा भंग, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए सरकार के खिलाफ पास हो जाएगा, पूरा सरकार गिर गया, लोकसभा भंग हो गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का मृत्यु हो जाए, मंत्रिपरिषद भंग होगा, फिर से मतलब लोकसभा के द्वारा सरकार बनाने का घोषणा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद का अगर मृत्यु हुआ, सॉरी प्राइम मिनिस्टर अगर देहांत हो गया चाहे कुछ भी हो जाए, तो मंत्रिपरिषद भंग हुआ तो फिर से सरकार बनाने की तय की जाएगी ना, घोषणा की, फिर से सरकार बनेगी, या फिर लोकसभा समय के पहले से ही भंग किया जा सकता है, ऐसा एडवाइस करे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अभी जैसे 5 साल चलने वाला है, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर बोले से नहीं 4 साल हो गया चुनाव करवाना चाहिए, ठीक है, तो राष्ट्रपति भंग करके फिर से चुनाव प्रक्रिया हो सकती है, 4 साल पे हो सकती है। तो राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, सामान्य तौर पर, इसके बाद ये खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है, इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा का अगर विघटन करे तो उसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राष्ट्रपति अपने हिसाब से नहीं करते, ठीक है, प्रधानमंत्री एडवाइस करेंगे तब करेंगे, ठीक है, या फिर वैसे कंडीशन में करेंगे जबकि उनको लगेगा से जो सरकार जो अभी लोकसभा में चल रही है उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, और विपक्ष भी गधा है, वो भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला रहा, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा की अवधि समाप्त, सॉरी, इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जाती है, ठीक है, एक बार में 1 वर्ष के लिए, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकती। मान लीजिए अभी 2024 है, आपातकाल लगा हुआ है, लोकसभा चल रहा है, तो भाई ऐसे कंडीशन में देश में चुनाव नहीं हो सकता है भाई, चुनाव करवाने के लिए फ्री मूविंग देना पड़ेगा, आजादी से लोग आएंगे जाएंगे, वोट डालेंगे, इकट्ठा होंगे लोग, ठीक है, सारा मशीनरी को आपको फ्री करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन देश में चुनाव नहीं हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के अलावा भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए 2024 में लगा हुआ, तो इसको बढ़ा के बोलेंगे चलो 2025 कर देते हैं, 2025 में भी स्थिति सामान्य नहीं हुई तो चलो इसको बढ़ा के 2026 कर देते, फिर नहीं तो उसको भी फिर बढ़ा सकते, लेकिन एक बार में 1 साल, ऐसे नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा दे, लेकिन लेकिन 2026 में जाकर अगर मान लीजिए आपातकाल समाप्त हो गया, तब देश में करवाना है चुनाव, और चुनाव 6 महीना के अंदर में हो जाने, समाप्त होने के बाद ही, ऐसा नहीं कि समाप्त होने के बाद ही, 6 महीना के अवधि से अधिक नहीं हो सकता। और 2026 में चुनाव मतलब लोग समाप्त हुआ आपातकाल, तो 6 महीने से ज्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते, मतलब नई वाली लोकसभा मतलब कब तक आ जाने, 6 मंथ के अंदर में नई वाली लोकसभा आ जानी चाहिए, ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे संसद की सदस्यता, अर्हताएं, अर्हताएं मतलब क्या कंडीशंस है किसी व्यक्ति को भारत में संसद बनने के लिए, कंडीशंस क्या है उसको कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है।